कैसे चलती है मेरी गाड़ी? दादी जी भी बोल रही है ठट 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 ठट। हाँ, ये है मेला महोत्सव 2020 का जादू। कैसे चलती है गाड़ी मेरी? कैसे चलती है गाड़ी? ठट 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 ठट। जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी। अल्लाह के रहमो करम से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से आप ही का अपना वाला प्रोग्राम मेला महोत्सव 2020 में गुरु वीरेंद्र शर्मा जी के आशीर्वाद से मैं विवेक शर्मा आप सभी ग्वालियर वासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज छतरी नंबर 3 पर है और आज भी कई सारा टैलेंट ग्वालियर का आया है आप सभी को अपना टैलेंट दिखाने आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2020 में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से इंटरव्यू के, पर उससे पहले बताना चाहूँगा सम्राट पर्स, फैंसी पर्स से एक आपके लिए सुंदर मामा यानी कि लाल सिंह मामा के लड़के हाजिर हो। अबे भाई लग 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 नहीं करना, ये पकड़ो पहले। धन्यवाद सम्राट फैंसी पर्स से मेरे लिए, ये गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से ये भी मेरे लिए, और ये है राधिका। हाँ, राधिका फैंसी कलेक्शन छतरी नंबर 7 से है। ये शानदार, देखते हैं आज कौन जीत के ले जाता है ये शानदार कोट। देखते हैं किस बहन को या किस भाभी को जाता है ये शानदार कोट छतरी नंबर 7 से। ओए मम्मी के लिए नहीं है तो किसके लिए है? ये बहनों के लिए है या भाभियों को मिलेगा? तो मैं वही तो कह रहा था, मेरी बहनों के लिए। और हाँ, और साथ ही ये भतीजे के लिए, ये प्यारे से दो गिफ्ट है बिग बॉस वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से। हाँ, ये बिग बॉस वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से, क्योंकि कल है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। हाँ, कल सेलिब्रेट करेगी मेला महोत्सव की टीम वीरेंद्र शर्मा जी का बर्थडे। ये मेरे पापा के लिए, ये मेरे दादा के लिए। ओए पापा दादा नहीं यहाँ पे, तो किसके लिए भाई साहब? ये पब्लिक के लिए। अच्छा, मैं भूल गया था भाई साहब, मुझे जलन हो रही है। तुम लाल सिंह मामा के लड़के हो और क्या रहते हो? मेलगांव। ओए मेलगांव रहता भाई साहब, डरा देते रहते हो। मेलगांव पिछले 4 साल से मैं डर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, मेरे को डरा देते आप। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से इंटरव्यू की। 1 2 का 4 4 2 का 1 2 का 4 4 2 का 1। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बहन से ही शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर छोटी सी बहन हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है बेटा? श्वेता दुबे। श्वेता दुबे, क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाएंगे, सुनाइए। उनसे मिली नजर के, अरे बहुत बढ़िया आवाज है बेटा, इधर आ जाओ। हाँ बीच में, हाँ टैलेंटेड बच्चों का सम्मान करती है मेला महोत्सव की टीम। एक बार मैं चाहूंगा बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, क्योंकि बेटियां आज के जमाने में हर फील्ड में सबसे आगे हैं। बेटी है तो जोर से तो बोलो, बेटी है तो, बेटी है तो। हाँ, ये श्वेता दुबे का प्यारा सा टैलेंट दिखाते हैं बेटा, जोर से सुनाना जो जिससे के सब सुन सके, सुनाइए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी सी बस खबर, इतनी सी बस खबर, इतनी सी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटी सी गुड़िया के लिए, क्योंकि इनकी आवाज में बड़ा जादू है। एक और कोई ऐसा गाना, एक और कोई ऐसा गाना। हाँ
मिलकर मिलकर गाएंगे। भाई गणित ना यार बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित ना मैं आया बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। वित तकरार सुदामा रे, गड़े दिना में आए बता मेरे यार सुदामा रे, गड़े दिना। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नन्ही सी गुड़िया के लिए। नाम है आंटी जी? बबीता। बबीता जी क्या सुनाएंगे आप? मैं भजन सुनाऊंगी। सुनाइए। गैया माता के ऊपर ले। अरे मत बेचे बेरी मोए का साईं के, अरे मत बेचे बेरी मोए का साईं के, अरे मैंने दूध पिलाए भर भरे कटोरा, अरे मैंने दूध पिलाए भर भरे कटोरा, अरे मैंने बछुला जाए खेती किसानन काम आए, अरे मैंने बछुला जाए खेती किसानन काम आए, अरे गौ माता रोवे ठाड़ी का पैबन में। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आंटी जी के लिए। एक और कोई ऐसा भजन आप याद कर लीजिए जब मुझे, तक मुझे। हाँ सुनाइए आप। बेटियों का भाग मैया, बेटियों का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है, बेटियों का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, सीता जैसी मैया को, सीता जैसी मैया को रावण ने सताया है, उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको घर से ही निकाला है, बेटियों का भाग मैया। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम है आप? रजिया। रजिया जी कहाँ रहते हैं आप? मेलगांव। नहीं पाड़िया वाड़पुरा। नज़र करम फरमाना ए हसने निकिनाना खुल गई है मेलान की महफिल, रहर करम फरमाना बस। बहुत शानदार, सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह। एक और कोई नात ऐसी आती है आपको? दिल में इश्के नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्के नबी की हो ऐसी लगन, तड़पता रहे दिल मचलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद में कहती रही बस। बहुत शानदार, किसके साथ आए हो आज आप? हस्बैंड के साथ। हस्बैंड आए आपके? ये वाले पीछे? हाँ बच्ची को पकड़ा दिया। हाँ महिलाओं की ये आदत अच्छी होती है, छोटे छोटे बच्चों को भाई साहब लोगों को पकड़ा दिया, बेचारे भाई साहब भी शादी पार्टी में घूम रहे हैं, और जितने दोस्त होते हैं ना दोस्त चढ़ाते हैं उनको, कहा भाई साहब कब हो गया कुछ नहीं हो गई भाई साहब। ओए कुजली किसको? मेरे को। तो जाला खोजा वहाँ पे जाके। लगा लूं काली मूंछ की दवाई? नहीं काली मूंछ की दवाई नहीं, जलन मच रही है। क्रीम बताता हूँ, डंपक 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 डंपक।
क्या नाम है आंटी जी? मीना। क्या सुनाएंगे? माता के घर भजन सुनाइए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, कौन है राजा कौन है भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दिए, तूने सबको दर्शन दिए, ओ अपने गले लगाया सेरा वालिए, ओ मैं आई जोता वालिए। बहुत शानदार, बोलो जोर से, बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। क्या नाम है आंटी जी आपका? कमला, कमला देवी। कमला देवी जी, क्या सुनाएंगे आप? दादरा सुनाऊंगी। दादरा सुनाएंगे, सुनाइए। ओ चोले वाले तूने बड़ा शोर किया रे, ओ चोले वाले हरी मिर्च की चाट बनाई उसमें डाला गरम मसाला, हरी मिर्च की चाट बनाई उसमें डाला गरम, ऊपर से नींबू निचोड़ दिया रे। ओ चोले ससुर हमारे बड़े शौकिया भर भर झोला लाते हैं, सास हमारी बड़ी बरंडो घर भूरे पे फिकवाती है, ओ छोले वाले जेठ हमारे बड़े शौकिया भर भर झोला लाते हैं, जितनी हमारी बड़ी बरंडो घूरे पे फिकवाती है, ओ छोले वाले तूने बड़ा शोर। बहुत शानदार। एक और कोई दादरा आता है आपको? एक और नहीं आता। हाँ, आप याद कर लीजिए जब तक मैं। चलिए अब दिखाते हैं प्यारा सा टैलेंट। क्या नाम है आपका? मोहिनी करोठिया। मोहिनी करोठिया, कहाँ रहते हैं आप? सागरताल। सागरताल। चलिए छोटी सी बहन का प्यारा सा डांस टैलेंट दिखाते हैं मेला महोत्सव 2020 में। ग्वालियर की बेटी के लिए एक बार जोरदार तो तालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार आपने डांस किया। चलिए अभी आपको भी मैं गिफ्ट दूंगा मेला महोत्सव की ओर से, अभी आपको भी गिफ्ट मिलेगा। आ जाइए। रुचि अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, रुचि अग्रवाल। क्या सुनाएंगे आप? लोकगीत और भजन दोनों। लोकगीत और भजन दोनों मिक्सअप? नहीं, पहले लोकगीत फिर भजन। अच्छा अच्छा, सुनाइए। सासु तेरा बेटा दीवाना, जोर से, हाय राम कुड़ियों पे डाले डाना, मैंने रोटी बनाई मैंने सब्जी बनाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई,
बच्चे का ये दिल ये पुराना, हाय राम कुड़ियों पे डाले दाना। अब भजन सुनाऊंगी। अब भजन सुनाएंगे? हाँ, पहले जयकारा तो लगा लो। बोलो केला भैया की जय। हाँ, अब सुनाइए। शामिली सूरत पे कन्हैया जी का। हाँ। बोलो कन्हैया लाल की जय। अरे जोर दे तो बोलो, मेरी मेरी आवाज तेज आ रही। बोल कन्हैया लाल की मिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा सुरमा। बहुत शानदार। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा। क्या नाम है आपका? अरुणा वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ से आए हम तो। यूट्यूब पे देखा आपने प्रोग्राम? नहीं, थोड़ा सा देखा था। देखा आपने यूट्यूब? हाँ, पसंद आया यूट्यूब? हाँ, बहुत, पर बहुत। तो क्या सुनाएंगे आप? गजल। पीछे गजल गजल हाँ। सुनाइए। आते हैं नए लोग पुराने। एक मिनट रुकिए। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और कलाकारों को सम्मान देती है मेला महोत्सव की टीम। आप बीच में आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरुणा जी के लिए और प्यारी सी गजल आपको सुनाएंगे। सुनाइए। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते हैं, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते हैं। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना जलाना, लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना जलाना। पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते हैं, पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते हैं। आते शानदार, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये आपका भाई तो नहीं है? जा, हाँ। ये आपका नहीं भाई है? हाँ। जिया जी को नहीं? नहीं नहीं, वो लखनऊ में ही है। ये अरे लाल सिंह मामा की वो ही है। हाँ। निकल जाओ अभी। हाँ, अभी इनका टैलेंट चल रहा है। हाँ, और सुनाइए कुछ पुरानी से। सुनो। हाँ, सुना दी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता हम क्या करें, तस्वीर में कोई जचता नहीं हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता और? बहुत शानदार। आपकी आवाज बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। तूने न जाने हैं सपनों के रास्तों ने न जाने हैं, नैनों की जो बात ने न जाने हैं, सपनों के रास्तों ने न जाने हैं, दिल की बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे गुजरी वो कल जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके। बहुत शानदार। कहाँ रहते हैं आप? हाजीरे पे एशियन नेटवर्क पे चल रहा है। क्या नाम है आपका? शिवांगी। क्या करके दिखाएंगे? डांस। चलिए, ये गुड़िया का प्यारा सा डांस टैलेंट दिखाते हैं, छोटी सी बहन का प्यारा सा डांस टैलेंट।
जोरदार तालियां छोटी सी बहन के लिए, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए गुड़िया के लिए और ग्वालियर की बेटी के लिए। क्या नाम बताया था आपने? शिवांगी पटेल। शिवांगी पटेल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ग्वालियर की बेटी होनहार के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम है कल्ला। क्या नाम है? कल्ला। कल्ला नाम है? हाँ, कल्ला हलवाई कलाकार है वो। अच्छा, इधर आ जाओ। हाँ, कलाकार का सम्मान करते हैं अपन। हाँ, कॉमेडी बात में पहले कलाकारी। अच्छा। हाँ, ये बहुत खतरनाक जगह से आए। सही बताओ। लक्ष्मीगंज से आया हूँ। अरे अभी तो और कहीं बता रहे थे, वो पहाड़िया पे थे। कहाँ पे से आए हो? पहाड़िया पे थे। लाल सिंह का भतीजा हूँ मैं। लाल सिंह के भतीजे हो? हाँ। ये कल्लू बाबा के लड़के है ये? यस। हाँ, मैं कौन सी डांस करके दिखाऊं, क्या गाना सुना के दिखाऊं? इधर आ जाओ, कलाकार का सम्मान करेंगे। हाँ, ये कल्लू मामा के लड़के हैं, भांजे, लाल सिंह मामा के भांजे, कल्लू मामा के लड़के। हाँ, कल्लू मामा के लड़के। कौन सा गाना सुनाऊं? कहाँ रहते हो वैसे, किधर से आए? ये मेलगांव से। मेलगांव के हैं, लाल सिंह का भतीजा हूँ मैं। लाल सिंह के भतीजे? कहाँ रहते हो वहाँ पे? वहाँ पे कहाँ रहते हो? मेलगांव में। मेलगांव के ऊपर ही पहाड़िया पे। पहाड़िया पर रहते हो? हनुमान जी का मंदिर बना है वहाँ पर। वहाँ पे? हाँ। क्या सुनाऊं जल्दी से? मैं गाने सुनाऊंगा। गाने सुनाओ पहले। पहले आवाज निकालता हूँ। आवाज देखिए। हाँ, मिमिक्री कलाकार है ये। गाय की है? गाय की। हाँ। मा, मा, मोर। मोर की घुंगरू। घुंगरू इसको हटाइए, फिर मैं सही कुछ दूंगा इसमें। निकल जाओ। हाँ, कल्लू बाबा के लड़के, जल्दी निकाल। चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। और एक और आती है। Yes. और वो कुत्ते की आती है, वो गली वाले कुत्ते की। जोर दे, जोर दे। एक बार। हाँ। आपका गाना। हाँ। गाना सुनाओ। मेरे साथी हो, मेरे साथी। किसको सुना रहे हैं ये गाना? मेरे साथ। किसको सुना रहे? मैंने ये गाना सुनाया अपने शराबे वाली के लिए। शराबे वाली के लिए? हाँ। सुनाओ जल्दी से। मेरे साथी हो, जीवन साथी हो, मेरे साथी हो, मेरे साथी, जीवन साथी ते निभाना हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। बड़ा ही अच्छा टैलेंट है इनमें। क्या नाम है वैसे, असली नाम बताओ? वैसे मेरा शंकर नाम है। शंकर नाम है इनका और बहुत अच्छे कलाकार भी है। एक बार जोरदार तालियां। सासी। क्या सुनाएंगे? भजन। भजन सुनाइए। फिर वो तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, फिर वो तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, बागों खुदा खुदा के बागों पे बुला लिया, होए फोलीवा टुरा टुरा के मुझे अपना बना लिया। बहुत शानदार। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा। क्या नाम है आपका? आरती पटेल। क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। पक्षियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, पक्षियों के झरोखों से मैंने देखा।
पसंद है। अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा। चलिए दो छोटी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सिम्मी खान। क्या नाम है? सिम्मी खान। सिम्मी खान। और आपका? फरीन खान। फरीन खान। क्या सुनाएंगे मिलकर? माँ के ऊपर एक सॉन्ग सुनाएंगे। क्या? माँ के ऊपर एक। माँ के ऊपर एक सॉन्ग। अम्मा राम राम। राम राम लाला। कहाँ से आई हो? फरीदपुर के आए बेटा, देख रहे हैं। लाल सिंह मामा के यहाँ से तो नहीं आई? लाल सिंह मामा के यहाँ से तो नहीं आई? कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अच्छा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। भजन गाएगा? भजन गाएंगे? नहीं गाए रहे। कौन की अम्मा है? ये लड़का लेके आया क्या? अम्मा राम राम। अम्मा राम राम। अम्मा राम राम। मैं पहचान, मोजान नो पहचाना। अम्मा आ गई। अम्मा अम्मा आ गई। ओए ये आपके नाती है? बाबा कहे लेके नहीं आई? वो लड़ुआ खिलाए थे क्या? लड़ुआ खवाए थे अम्मा। लड़ुआ में तो मजा आएगा। तुम तो सही बता रहे हो। देसी घी के बनाए थे, बढ़िया देसी घी के। अम्मा का चुप बहन सुनाएंगे। सुनाओ अम्मा। सुना सुना दो अम्मा। अम्मा सुना दो। आजो आनंद बाए मेरी नागरिया। आनंद जय जय बुलाए तेई तेई आए। ए जोई जोई बुलाए तेई तेई आए। आजो नांद बाए मेरी नगरिया। आजो ना आसो पासो शांतन की बैठक। कभी चदरिया मेरा तरस गगरिया। जो आनंद बाए मेरी नगरिया। बहुत शानदार बहुत शानदार। माता जी माता जी कबीरा सुनो भाई सादा। काता कबीरा सुनो भाई सादा। गोर के चरण धरिए मेरी। बहुत शानदार। अम्मा अम्मा जी मैं एक बात पूछ रहा आपसे। वो निकासी वाला गाना आता है आपको? निकासी करते हैं दूल्हा की। निकासी वाला आता है? निकासी नहीं करते दूल्हा की, निकासी में गाते हैं। सुना दो। सुना कौन सा निकासी? ये तुम्हारी नाती है? नाती ही है तो लाल सिंह मामा के परिवार से ही हो। पूजी पाई रे काई। ओ हरि को जिन भूलो नहीं सहज पाल की। अम्मा ऐसे ही बैठ के प्रोग्राम देखते रहो, आशीर्वाद दे दो हमें। हाँ चलिए बहनों का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। बेटा क्या सुनाओगे? माँ के ऊपर एक सॉन्ग। माँ के ऊपर एक सॉन्ग सुनाइए। स्वीट मम्मा स्वीट मम्मा। बबिल से इशारा बबिल वैन इशारा। लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जा। जी ना सकूंगी तेरे बिना। आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। जब मैं रूठा करती थी तू ही बनाने आती थी। मेरी खुशियों के खातिर अपना सब लुटवा। बहुत शानदार। एक बार माँ के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि माँ आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है। यानी कि आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट माँ तैयार करती है, आपके कपड़े माँ धोती है, आपका खाना माँ बनाती है, और माँ अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालती, केवल आपके लिए जीती है। एक बार मैं चाहूँगा माँ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है बेटा? रौनक दुबे। क्या करके दिखाएंगे? मैं डांस। डांस टैलेंट। चलिए
बार जोरदार तालियां हो जाए ग्वालियर की बेटी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निकल जा निकल जा निकल निकल चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और प्यारा सा टैलेंट। हाँ जीजा जी आए हैं इधर गुस्से में, हाँ गुस्से में और अंधेरे में आए हैं। चलिए उनको बुलाते हैं जीजा को। हाँ कम से कम 70-80 सालियों का इकलौता जीजा है, मतलब 70-80 सालियों ने जीजा को गोद ले लिया है, मतलब इतनी सारी सालियां हैं। बेचारे भूल जाते हैं कि किसके पास मतलब क्या क्या है, मतलब किसको क्या देना है। मतलब ऐसे जीजा भी हमारे पास आए हैं और बड़ी मल्टी टैलेंटेड जीजा आपको दिखाएंगे। हाँ आज जीजा आए हैं गुस्से में और अंधेरे में। चलिए हम उनको बुलाते हैं और उनको पेश करते हैं, पर उससे पहले एक मल्टी टैलेंटेड सिंगर हमको मिला है ग्वालियर के व्यापार मेले में, जिनकी छोटी सी दुकान है, उनको बुलाना चाहेंगे। एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान और एक कब्रिस्तान। ओए यहाँ से निकलो, चलो चलो जल्दी निकलो। बराबरी उनसे की जाती है जो बराबर के काबिल हो। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान कोई बराबर के काबिल नहीं है अपने। हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। क्या? साबुद्दीन। साबुद्दीन सुनाइए, क्या सुनाइए? आंखों की रसते दिल ने उतरी के ले गई हमारे जान, जुगनी 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 जुगनी। आंखों की रसते दिल में उतरी के ले गई हमारे जान, जुगनी 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 जुगनी। एक और कोई गाना। जो मेरी सामने बैठी है मगर कुछ तो बात ना हो पाई है, बात की दोनों की रसवाई से तेरी ओ बातों की रसवाई है, बात की दोनों की रसवाई है। दिल का रंग मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे पे बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार में खोया नहीं। दिल का रंग मैं क्या बताऊं। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटे से हमारे उस्ताद के लिए, जोरदार तालियां। और चलिए अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा, आप अपनी दुकान पे पहुंच जाइए। और चलिए बुलाते हैं 70-70 सालियों का इकलौता जीजा, आपको बुलाते हैं अपने स्टाइल में। साहिबान मेहरबान कदरदान, थूकदान पीकदान, आलू की दुकान समोसे की दुकान और जलेबी घुमा के आप सभी के बीच आ रहे हैं 70-70 सालियों के इकलौते जीजा। आ गए क्या? जीजा जी ये साला है आपका। जीजा जी तेरी बारी उमरिया, ओ जीजा जी तेरी बारी उमरिया। भैया जी ये साले को संभाल के रखो अपने। संभाल हम, अब चुसनी लेकर आऊंगा इसके लिए। अच्छा जिया जी तुमने वो पिलाई तो थी मेरे को, वो बेकार थी, बर्फ का गोला उसमें बड़ा छेद हो गया था, छोटे वाली लाऊंगा। अरे जिया जी ये साले परेशान तो नहीं करते? नहीं बिल्कुल। मेरे प्यारे प्यारे जीजा जी, ओए लाल सिंह मामा के लड़के किसी को भी जीजा बना लेते हो? अरे जीजा जी ये पूछ लो जीजा जी, अबे जीजा का नोट दूंगा भाई साहब, बोल दो जीजा बोल दो भाई तुम, मतलब मैं बोल दूं। अरे भाई तू जाइए भाई साहब, तुम समझते नहीं भाई साहब, जल्दी साला है मेरा, साला है साला, अब तो हो गया गिन। हमारा घर कहाँ पर है? मेल गाँव। क्या बात है यार, वहीं का भी। हाँ देख लो, मम्मी वहीं गए हो? मैं आ रहा हूँ पुरे में तो ससुराल। चलिए प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं जीजा जी का, प्यारा सा टैलेंट। हाँ आप लोगों ने डिमांड की थी ना अभी कुछ दिन पहले आए थे, जीजा जी का प्यारा सा टैलेंट एक और बार आपको दिखाते हैं, डांस टैलेंट। Thank you.
जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा? जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। अगर मैं हिंदुस्तानी, पिया गंगा का पानी है मेरी जा वहीं पे, गली की चमक चलो, गली की चमक चलो, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। सब बॉस कहेंगे, करेंगे मेरी गुलामी, रात दिन शाम सुबह सब मुझे देंगे सलामी, मेरा बंगला भी होगा, मेरी गाड़ी भी होगी, मेरी किस्मत की चाबी मेरे ही पास होगी, मेरे ही पास होगी, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ये होगा, जिस्म पे सूट होगा, जिस्म पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। ओए ओए, जीजा के लिए जोरदार तालियां हो। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है?
क्या बोल रहा है? हाथों में गोरी का हाथ होगा तो और क्या सही तो बोल रहा है भाई साहब। तुम्हें जीजा कैसे बन गए तुम्हारे? अरे तो जीजी नहीं तो साले सही। अच्छा साले सही। चले एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीजा जी के लिए। जोर से बजाना। और हाँ इनको बोल सकते हैं, एक तो वो डब्बू अंकल फेमस हुए थे यूट्यूब पर डांसिंग अंकल के नाम से, आज से इनका नाम है मेला महोत्सव में डांसिंग जीजा। डांसिंग जीजा के लिए, हाँ डांसिंग जीजा के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर आपका टैलेंट। और अभी तो दो दिन तीन चार दिन का प्रोग्राम और है, और इनको एक बार फिर से बुलाएंगे और इनको देंगे बड़ा सा प्राइज मेला महोत्सव की ओर से। अरे चलिए अब बारी आती है गिफ्टों की, तो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देगी मेला महोत्सव की टीम। एक भाभी जी आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से, ओसवाल से कपड़े धोना। ओके साफ निकले आओगे? साफ निकलेंगे। कल्लू मामा के लड़के हैं ये। एक बेटा आपके लिए आंटी जी, एक आपके लिए ये ओसवाल से, एक बेटा आपके लिए ओसवाल से। भैया मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उनको दे रहा हूँ, अभी मैं आपको भी दूंगा एक। चलिए ये लीजिए, एक आपके लिए ओसवाल से, एक गुड़िया आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से, एक आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए, एक आंटी जी आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से, एक आपके लिए और एक आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से, एक गुड़िया आपके लिए ओसवाल से, एक आंटी जी आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए ओसवाल से और एक आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से, एक गुड़िया आपके लिए ओसवाल से और एक आपके लिए ओसवाल से और एक माता जी आपके लिए भी है ओसवाल से। हाँ पूरा का पूरा प्रोग्राम देखो तुमने बैठ के। हाँ गाना उगाओ। हाँ एक आपके लाना हुए हैं। हाँ ये ओसवाल से, एक आपके लाने ओसवाल से। अभी और देंगे तुम्हें गिफ्ट, ऐसे ही बैठ ही रहना। एक आपके लिए है ओसवाल से और एक आपके लिए भी ओसवाल से और एक आपके लिए है ओसवाल से और बेटा एक आपके लिए। क्या सुनाना था आपको? गाना सुनाओ जल्दी से। मेरे महबूब तुझे सलाम सलाम सलाम। बहुत शानदार। एक भाभी जी आपके लिए भी है ओसवाल से, भैया ये कपड़े इसी से धोना, ओसवाल वॉशिंग पाउडर। एक आंटी जी आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से और एक खान साहब आपके लिए ओसवाल वॉशिंग पाउडर से। चले एले सारो के बारे में बताना चाहूँगा, अगर हैं आप बेरोजगार, अगर आपके पास नहीं है कोई नौकरी, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो एले सारो में गर्ल्स एंड बॉयज़ की जगह खाली निकली, यानी कि पुरुष और महिलाओं की जगह खाली निकली है, तो छतरी नंबर एक पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं एले सारो कंपनी के शोरूम पर। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, करीब 70 से 100 गर्ल्स एंड बॉयज़ की या महिला और पुरुष की आवश्यकता है कंपनी में, तो आप जॉब करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूम लेकर छतरी नंबर एक पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बेटा आप दोनों के लिए एल एस आर ओ से, एक बेटा आपके लिए एल एस आर ओ से, एक आपके लिए एल एस आर ओ से, एक आपके लिए एल एस आर ओ से और एक आपके लिए एल एस आर ओ से। आपको बड़ा प्राइज मिलेगा हाँ प्रोग्राम के समापन वाले दिन। हाँ अभी मैं दे रहा हूँ आपको ये हर्षित मोबाइल एसेसरीज से। एक आपके लिए किसको दोगे? मैं अपने घर को, भैया को। भैया को दे दोगे? हर्षित मोबाइल एसेसरीज से एक आपके लिए और एक आपके लिए भी है हर्षित मोबाइल से और एक आपके लिए हर्षित मोबाइल से और एक आंटी जी आपके लिए हर्षित मोबाइल से, एक आपके लिए है ये हर्षित मोबाइल से आंटी जी, एक आपके लिए हर्षित मोबाइल से और एक आपके लिए हर्षित मोबाइल से और एक गुड़िया एक आपके लिए हर्षित मोबाइल से। एक बेटा आप दोनों के लिए हर्षित मोबाइल से और एक आपके लिए हर्षित से और बेटा एक आपके लिए हर्षित से। दोनों के लिए ऋतु एल्युमिनियम सेक्शन, एल्युमिनियम सेक्शन का पूरा काम होता है, वर्क होता है यहाँ पर भोड़ापुर जेल रोड तिराहे पर। एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से और एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, एक आपके लिए मोबाइलों का ब्यूटी पार्लर सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए और एक गुड़िया आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से। मेले का कौन सा? गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। एक आप दोनों के लिए एक्वा, गोल्डन लाइफ का एक्वा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिए, वसुंधरा टावर सिटी सेंटर पटेल नगर में है, सेकंड फ्लोर पर गोल्डन लाइफ का ऑफिस। एक बेटा आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक बेटा आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, बेटा आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए है
गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से एक्वा, एक आपके लिए, और एक आंटी जी आपके लिए गोल्डन लाइव इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए गोल्डन लाइव से, एक आपके लिए गोल्डन लाइव से। एक बेटा आपके लिए है, हमने शानदार डांस किया था ये सम्राट पर फैंसी पर्स से, एक आपके लिए शानदार डांस के लिए, एक आपके लिए, और एक आपने भी अच्छा डांस किया था, एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, डैन के संचालक वीरेन शर्मा जी की ओर से, और कल उनका हैप्पी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो वीरेन शर्मा जी। हैप्पी बर्थडे वीरेन शर्मा जी। हाँ, वीरेन शर्मा जी की ओर से एक आपके लिए, और गुड़िया आपने भी शानदार डांस किया था, एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, डैन के संचालक जी की ओर से ये प्यारी सी गुड़िया, एक आपके लिए, और साथ ही आपने बहुत अच्छा सुनाया था, एक आपके लिए वेडिंग पॉइंट से, एक आपके लिए वेडिंग पॉइंट से। लाइफ के बारे में कौन बताएगा बेटा, बताइए जल्दी। गोल्डन लाइफ तीन सेंसर वाला है, एक बताइए। गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर सभी ग्रहणियों के स्मार्ट पसंद है, और गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर में ऐसे बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, और बुजुर्ग भी जा सकते हैं, और ऐसे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इसको लेकर हम लोग। आप बताइए गोल्डन लाइफ के बारे में। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर बहुत अच्छा है, और जिसको क्या कहते हैं बच्चों के लिए तो सब में ज़्यादा अच्छा है। क्या क्या स्कीम है यहाँ की? इस पर ना 3500 का भी है, एक तीन सेंसर वाला भी आया है इसमें, और इंडक्शन कुकर, और बहुत अच्छा है, तीन तीन सेंसर वाला है। हाँ बताइए, आप बताएंगे आंटी जी। एक बार खरीदो, 5 बार जीतो, 4750 रुपये के इंडक्शन कुकर में 5 बर्तन फ्री है, गोवा और यूरोप मलेशिया का टूर भी है इसमें, तीन सेंसर के कुकर, तीन सेंसर में तीन स्टार के प्लेग, तीन स्टार रख के भी चलाया जा सकता है, और इसमें एक वो भी है, पल्सर गाड़ी भी है, और पल्सर गाड़ी भी, और 2100 रुपये का शायद कूपन भी है। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर के यहाँ एक पल्सर बाइक है, गोवा मलेशिया का टूर है, सेंसर वाला मॉडल भी है, उसके ऊपर 2 रजिस्टर रख के भी काम करता है। आप और बताइए। इस पे पल्सर बाइक भी दी है, मलेशिया का टूर भी है इसमें, गोवा ट्रिप का, और ना खरीदो तो भी जीतो, खरीदो तो भी जीतो। अच्छा, मतलब खरीदेंगे नहीं फिर भी जीत सकते हैं। हाँ, यही तो स्कीम है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर की, आप अगर विजिट करेंगे तो विजिट करने पर भी आप जीत सकते हैं शानदार 2500 से 3000 रुपये का ट्रॉली बैग, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। बेटा ये गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक गुड़िया आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर छतरी नंबर 3 से, और एक बेटा आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आंटी जी आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, और एक आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से। वैशाली कलेक्शन से, और जी थैला है आपके लाने ओसवाल से, और एक अम्मा एक तुम्हारे लाने हैं ओसवाल वॉशिंग पाउडर से छतरी नंबर 3 से, और निकल भाई ओए ओए निकल हट। एक बेटा आपके लिए है ये ओसवाल से, और एक आपके लिए भी ओसवाल से, यहाँ कौन रह गया, एक आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए ओसवाल से, एक आपके लिए ओसवाल से, और एक आपके लिए वैशाली कलेक्शन से सेंटर से, और एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, और एक भाभी जी आपके लिए ये अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक आपके लिए, और एक आपके लिए अग्रवाल फोटो फ्रेम से, एक आपके लिए, आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए, और कल हैप्पी वाला बर्थडे वीरेन शर्मा जी का, तो एक गुड़िया एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, एक आपके लिए कुछ मीठा, और एक गुड़िया आपके लिए भी वीरेन शर्मा जी की ओर से, और एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से, और एक आपके लिए भी वीरेन शर्मा जी की ओर से, और एक आपके लिए वीरेन शर्मा जी की ओर से। और आप भी जितना चाहते हैं 1500 रुपये, बस कुछ दिन का शेष रह गया है ग्वालियर का व्यापार मेला और मेला महोत्सव 2020। फेसबुक पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2020, यूट्यूब पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2020,
ट्विटर पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2020 और इंस्टा पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2020 आपको टाइप करना है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपके फोटो पिक वहां पर भी मिल जाएंगे चैनल पर। और चलिए अब यहां से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और पहुंचेंगे आगे 1 2 3।